सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। क्या कोई आखिरी ख्वाहिश? जो अचानक से फाइटर मूवी इसी साल हो रही है रिलीज, पायलट की जगह मुक्केबाजी कैसे हो गई फिल्म के प्लॉट की चेंजिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलक गुप्ता, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में फिल्म फाइटर से रिलेटेड जानकारी दी थी, साथ ही आपको ये भी बताया था कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण किस रोल में नजर आने वाले हैं। तो अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं तो हम आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि 21 इयर्स के इतने लंबे करियर में ऋतिक ने ऐसा कौन सा किरदार नहीं निभाया जो वो इस फिल्म में निभाएंगे। और तो ये जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, अपडेटेड रहें हर बॉलीवुड की नई खबरों से। दोस्तों आजकल लोगों के मन में फाइटर को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ऋतिक के अनाउंसमेंट के बाद भी काफी लोगों को विजय को समझ रहे हैं फाइटर का हीरो। तो पहले हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। दरअसल साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने फिल्म टाइगर की शूटिंग की अनाउंसमेंट कंफर्म कर दी है, जो कि मल्टी लैंग्वेज में होगी। इस फिल्म को हिंदी में फाइटर नाम से रिलीज किया जाएगा, जिसे पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं एक्टर ऋतिक रोशन ने 10 जनवरी को अपनी नेक्स्ट फिल्म फाइटर की अनाउंसमेंट कर दी है, अब जिसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। इस फिल्म को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, जो ऋतिक और सिद्धार्थ की तीसरी फिल्म होगी बैंग बैंग और YRF की सुपरहिट फिल्म वॉर के बाद। अनन्या पांडे को भी लेकर दीपिका के फैंस कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अनन्या भी फाइटर में लीड एक्ट्रेस के रोल करती हुई नजर आएंगी, मगर अनन्या विजय की फिल्म फाइटर से अपना डेब्यू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में करने वाली है। और ऋतिक के साथ इसी के साथ बॉलीवुड फिल्म फाइटर से ऑडियंस पहली बार बड़े पर्दे में दीपिका और ऋतिक को एक साथ देखेगी, जिसमें फैंस का रिएक्शन भी हम आपको अपने पिछले वीडियोज में बता ही चुके हैं। दोस्तों ऋतिक और दीपिका साथ दिखेंगे तो क्या स्क्रीन टूट जाएगा या स्क्रीन फीका पड़ जाएगा? अब ये दोनों फिल्म अलग अलग हैं मगर नाम एक जैसे हैं, लेकिन फिल्म की स्टोरी दोनों की कहीं से भी नहीं मिलती। जहां तेलुगु फिल्म फाइटर में विजय एक बॉक्सर का रोल करेंगे, वहीं बॉलीवुड फिल्म फाइटर में एक एक्टर ऋतिक रोशन पायलट के रोल में नजर आने वाले हैं। मगर दोनों ही एक्शन मूवी होंगी, तो ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उसे किस फाइटर की स्टोरी ज्यादा मजेदार लगती है। अब जहां तेलुगु फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है, वहीं ऋतिक की फाइटर की शूटिंग अब जून तक स्टार्ट होगी। क्यों इतना लेट कर रहे हैं ऋतिक रोशन? हम सब आपकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब विजय की फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटर्स में आने वाली है। अब वहीं ऋतिक की फिल्म 30 सितंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप दोनों फिल्म्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं और कौन से फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों इस वीडियो की स्क्रिप्ट मुस्कान गुप्ता ने लिखी है। अलविदा।